हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल ऑफ शक्ति अथना एंड मैं अभी एक खेत में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ नेचर के साथ कनेक्ट करके फिर से। एंड दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है फॉरगिवनेस, कनेक्टिंग टू रूट, कनेक्टिंग टू नेचर, जो बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप फॉरगिवनेस चाहते हो, किसी से माफ़ी मांगते हो, जैसे कि मेरे लाइफ में हुआ कि मेरा जो पहला प्यार था बचपन में, फैमिली प्रेशर के वजह से बहुत जल्दी, मतलब प्यार जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। सॉरी, ये असमिया गमछा है, इफ़ यू कैन सी। मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं नामघर भी गई थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेरा एंड घर भी आ गई हूँ मैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो सोसाइटल प्रेशर्स के कारण मुझे ब्रेकअप करना पड़ा एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने प्रॉपरली उससे ब्रेकअप नहीं किया, मतलब चांस नहीं मिला करने को। देन अवेकनिंग हुई मेरी, मेरे को फील हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं आ गई। फिर मैंने देखा 22 साल बाद उससे मिली, उसके फैमिली से मिली, उसके बच्चे, वाइफ, दे आर सो बिग हार्टेड, दे हैड एक्सेप्टेड मी एज देयर ओन फैमिली, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने माफ़ी मांगा एंड मेरे को फील भी नहीं होने दिया कि मेरे से भी कुछ गलती हुई थी। तो दैट्स इट। अभी मैं रूट से कनेक्ट कर रही हूँ, एंसेस्ट्रल प्लेस आ रही हूँ, ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ। तो इन सब से क्या होता है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, शिव ग्रंथि, ये सब खुल जाते हैं। इन सबको आप लोग डीएनए एक्टिवेशंस बोल सकते हो, एसेंशन अवेकनिंग के स्तर लेवल्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप जो हो उससे कनेक्ट करना, आप जो हो वहाँ पे जाना, पूर्वजों के लिए प्यार जताना, अगर कोई गलती हो गई आपसे जाने अनजाने में, उन सबको माफ़ी मांगना उनसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, इनफैक्ट आई एम ब्लिसफुल। तो अभी देखिए, ये एक वाटर बॉडी है, ये वो वाला वाटर बॉडी है जहाँ पे मैं आती थी पहले, खेत था अपना, खेत खलिहान था। बहुत ही शांति है यहाँ पे दोस्तों एंड ये वाला वो प्लेस था जहाँ पे मैं गोबर इकट्ठा किया करती थी, गोबर सुखाती थी। सॉरी, ये वाला, हाँ, यही वो प्लेस है जहाँ पे मैं पहला गाना सीखती थी, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पे जंगल है, जो बम्बू के ट्रीज हैं, तो वहाँ पे आवाज़ इको होता था एंड इको को यहाँ आता था। दिस साइड इज़ सेम ऑल्सो, तो मैं यहाँ अगर बोलती हूँ हाय, देखो इको हुआ, इको होता है। तो यही था, बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों। बहुत खुश हूँ मैं आज, मैं बता नहीं सकती, मैं रोई यहाँ पे आके, अपने बहनों से मिले, कज़िन से मिले। आई एम जस्ट कन्फ्यूज कि मैं इतने दिन क्यों आई नहीं। तो वही है अवेकनिंग दोस्तों, आप लोग भी जाइए अपने रूट, जो कनेक्शंस हैं ढूंढने, पुराने जो कनेक्शंस हैं ढूंढने, बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स रियल गुड। नाउ आई एम हैप्पी, आई एम फुलफिल्ड, ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ मिल गया है, जो गिल्ट थे, जो ट्रैप्स थे, गिल्ट ट्रैप्स, ये सब कुछ नहीं है, साफ हो गया बिल्कुल दिल। रियली नेचर इज सो ब्यूटीफुल ना, यस, इसीलिए हमको नेचुरल बनने ही रहना चाहिए, हम जैसे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया, बहुत कम समय लेके आई हूँ दोस्तों। हाय, ये वही सूरज है, वह ये वही मैं हूँ, ये वही खेत है दोस्तों, दिस इज द सेम प्लेस
आई एम सो ब्लिसफुली हैप्पी। मतलब लोग क्या बोलते हैं कि स्वर्ग, मेरे को यही स्वर्ग लगता है अपना गांव। बहुत घूमी इधर उधर, ये क्या वो क्या, बाद में मेरे को अपने घर का जो खेत है, गांव का जो खेत है, वही मुझे स्वर्ग लगा। ये देखो बिल्कुल वृंदावन नहीं लगता। अभी जहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, अभी वृंदावन के जैसे लगता है मुझे। बस मेरे ये वृंदावन में कोई काना नहीं है, मैं ही हूँ अकेली, मैं ही राधा हूँ, मैं कृष्णा हूँ। वैसे खेतों के टाइम में यहाँ पे इतने बड़े बड़े फसल उगते थे, तो मैं यहाँ पे गोबर इकट्ठा करता था। तो गोबर इकट्ठा करके उसको सुखाना पड़ता था, मैं सुखाती थी वहाँ पे सुखाती थी। सुखाने के बाद उसे मिट्टी के साथ मिक्स करके हम लोग इसे बोलते, देखिए ये है सूखा गोबर, इन सबको इकट्ठा करती थी। तो एक्चुअली उर्वारु कमी वह, शायद उर्वारु कमी जो महामृत्युंजय मंत्र में है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमी व बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। तो ये जो उर्वारु कमी, आई थिंक उर्वारु कमी या उर्वारुक, ये जो है ये इसको बोलते हैं खीरा, क्यूकुम्बर। तो क्यूकुम्बर का खेत करते थे, तो क्यूकुम्बर के खेत में मिट्टी के साथ गोबर को, सूखा गोबर को मिक्स करना पड़ता था। उसके बाद उसे नीचे ऐसे ज़मीन पे डाल के, उसके बाद जो खीरा का मतलब सीड्स होते हैं वो डाले जाते हैं, तभी वो जाके बढ़ता है। तो यही है, थोड़ा खेत भी मेरे को आता है, इनफैक्ट अभी भी आता है, करती हूँ मैं शोबल्स लगाना, इसको क्या बोलते हैं आप, शोबल जो लगाते हैं कोर। तो आई थिंक 4-5 साल पहले भी मेरे यहाँ पे मेरे स्किन जो है हाथ का टाइट था, क्योंकि मैं शोबल चलाती थी बचपन में। मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ है ही नहीं और मिलने को, सब कुछ तो मिल गया, आई एम फुलफिल्ड, आई एम सेल्फ सफिशियंट, आई एम फुल, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पूछो मत। एंड मैं ऊपर वाले को थैंक यू देना चाहती हूँ, मेरे फर्स्ट लव को मैं थैंक यू देना चाहती हूँ, उसके वाइफ को थैंक यू देना चाहती हूँ, उसके दो बच्चे एंजल्स उनको थैंक यू देना चाहती हूँ, मेरे को अपने फैमिली के जैसे अपना बनाने के लिए। अब आज भी वो आई है इनफैक्ट, उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी कल मेरे साथ थी, कल रात को मेरे को पकड़ के सो गई वो। उसके मुंह में तो मेरे को उसका पापा का चेहरा नज़र में आता है, एंड पापा के लिए अभी फीलिंग्स तो मेरा फैमिली मेम्बर का जैसा होता है ना, भाई बहनों जैसा वैसा हो गया, इतने अपने लगते हैं पूछो मत। उसका एक्सटेंडेड फैमिली देखे मैं इतनी खुश हूँ पूछो मत। माफ़ी मिल गई, प्यार मिल गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार। अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस दुनिया को, हर दिशा से। ऐसा नहीं कि एक नौकरी है बोल के उसी में, बट एक इंसान होने के नाते मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, अपना मैं मन सोल पूरा लगा दूँगी, जितना हो सके करती हूँ। एंड इनफैक्ट आज जब मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, मेरी दीदी है, कज़िन है, एंड मेरी जो दोस्त था मेरा पहला प्यार, उसकी जो वाइफ, ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि वेजिटेरियन अच्छा है खाना, हम लोग इंसान बनते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम सेवा के लिए इंसान का लाइफ लेते हैं, क्योंकि दूसरे प्राणियों से हमको थोड़ा सा सुविधाएं हैं, प्रिविलेजेस है। तो वो जो प्रिविलेज है, ऐसा नहीं कि हम जीव श्रेष्ठ हैं या हम मानते हैं तो इसको खाओ पकड़ के, उसको खाओ, उसको तंग करो, उसको नहीं, हम लोगों को सेवा करने की ज़रूरत है सबकी, इस प्लेनेट की, मदर गाया की, देखो कैसे हमको फसल देती है माँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।